Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. तो मारुला क्लासेस के आज के लेक्चर में हम इनक्वालिटी पे बात करेंगे और आपको बताते चले कि इनक्वालिटी फर्स्ट यानी इनक्वालिटी का एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उससे पहले मैं बोलूँगा कि आप इनक्वालिटी फर्स्ट देखें। अगर आपको कुछ चीज़ें पता हैं जैसे कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड नंबर लाइन, हम इनक्वालिटी वन में इन पर ही बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे और इनिशियल लेवल पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था और हमने वहाँ पर क्लियर कट बताया था कि अगर इनक्वालिटी आपको सीखनी है तो इन सब चीज़ों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मगर इनको सीखना ही पड़ेगा। इनक्वालिटीज़ के बारे में एक हमारा दिमाग बना रहता है कि बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इनडायरेक्टली हर एक एंट्रेंस एग्जाम में इनक्वालिटीज़ आज की डेट में अगर अब एग्जाम अगर आप देते हैं तो इनक्वालिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इक्वलिटी से इनक्वालिटी पर जंप करना, हमारे दिमाग को ये चीज़ समझाना, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, मेमोराइज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने वहाँ पर 5 टाइप की इनक्वालिटीज़ को डिस्कस किया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखते हैं, अगर इस वीडियो के लास्ट तक जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं समझ में आएंगे, तो उसी पर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे टाइप 6, ये टाइप हमने कुछ ना कुछ स्पेशलिटी से डिसाइड किया था, तो टाइप 5 वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इस इनक्वालिटी हम ये ले रहे हैं कि इधर इस साइड और इस साइड दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड में वेरिएबल हैं, तो इन इक्वलिटीज़ को सिंपल जैसे इक्वलिटी होती थी मतलब इक्वल का साइन होता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बिल्कुल, मैंने बोला कि आपको जो इक्वल है जो शुरुआत में मतलब इनिशियल लेवल पे इस चीज़ को हमने पढ़ा है माइनस इस सिंबल को, इस ऑपरेटर को, इक्वल सिंबल को बहुत आसानी से पढ़ा है, तो उसी तरीके से इसको भी फॉलो करना है इनक्वलिटी को, बस ग्रेटर और लेस पे थोड़ा सा बस रियल लाइन का यूज करते हैं, तो वही चीज समझनी है। तो इधर लाएंगे साइड चेंज करके, तो ऐसे यहां पर भी लाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा हमेशा सारी चीजों को आप ये जो साइड है लेफ्ट साइड है उसी साइड सब कुछ रखिए और इस साइड हमेशा जीरो ही रखिए, मतलब ये ध्यान रखिए कि सारे वेरिएबल नंबर्स को इस साइड रखिए और जीरो को कोशिश करिए इधर रखिए, तो इससे हमारी चीज बहुत आसान होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स और माइनस टू, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए हमने बहुत ही आसानी से पहले वीडियो में डिस्कस किया कि दो दो से ये जो सिंबल है ग्रेटर मतलब आगे जाएंगे और कहाँ तक आगे जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे ओपन इंटरवल टू टू इन्फिनिटी, यानी एक सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है वो इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन है, मतलब यानी कि इसके बीच में कोई भी आप नंबर उठाइए दो से दो नहीं दो से बड़ा और इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप यहाँ रखेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये नहीं कि एग्जैक्ट ये सोल्यूशन है, मतलब ये ही ऐसे नंबर है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक इनक्वालिटी ये लेते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इनक्वालिटी है, अभी देखिए एक ऐसा रिजल्ट बनेगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या करें, हम डिनोमिनेटर को अभी कट कर देते हैं, हमने कहा डिनोमिनेटर को जब भी जैसे कैंसिल करते हो देखना पड़ता कि वेरिएबल है कि नहीं, वो आगे डिस्कस करेंगे। इनक्वालिटी के सारे लेक्चर्स हम लोग लेंगे और हर एक टाइप की इनक्वालिटी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको अगर इससे कैंसिल करते हैं दोनों साइड में एक्स एक्स हटाते हैं तो माइनस वन ग्रेटर देन टू, देखिए एक नॉनसेंस सी थिंग्स आ गई। ये क्या है, नॉनसेंस है, मीनिंगलेस है, ठीक है, क्योंकि माइनस वन ग्रेटर देन टू नहीं होता है, मीनिंगलेस है, नॉनसेंस है। तो अब नॉनसेंस अगर रिजल्ट आते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब इसके लिए बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव, ये ध्यान रखें जब आप शर्त इनको फाइनली जो ये चीज है इसको आप बोल देते हैं इन शॉर्ट वे में, अब शर्ट्स रिजल्ट, ठीक है, अब शर्ट्स रिजल्ट है मतलब जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हमारी मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें कि इसका सोल्यूशन आप निकालने का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, माइनस वन दो से कभी भी बड़ा नहीं होगा, नंबर लाइन में कभी बड़ा नहीं, जो हमने नंबर सिस्टम डिसाइड किया है। अब देखो टू साइडेड इनक्वालिटी है, मतलब अब क्या किया, हमने अभी तक वन साइडेड लिया था, अब दोनों साइड से हमारे जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी गई है उसको दोनों तरफ से बाउंड किया गया, तो आपको कुछ भी ज्यादा, हम यहां पर ट्रिक वन और ट्रिक टू दोनों, वन और टू दोनों डिस्कस करेंगे, आपको जो सही लगे आप उसको फॉलो करें, मगर मुझे लगता है कि ट्रिक टू को आप सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जैसे हम इक्वलिटी लेते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, मतलब साइड जब चेंज करेंगे तो दोनों साइड चेंज करेंगे, ध्यान रखें वन को हम ट्रांसफर करते हैं, वन को माइनस वन को जब ट्रांसफर करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हो, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन है और यहाँ लेस देन थ्री प्लस वन। तो देखो ये जो वन है वो दोनों तरफ ट्रांसफर किया गया, ये आया टू और ये आया फोर, तो बस सिंपल है इंटरवल में लिख देंगे कहाँ से शुरुआत हुई इंटरवल की, ओपन इंटरवल टू से फोर तक, ओपन इसलिए लगाया, मैं बताया था डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इक्वल नहीं लगा है। अब दूसरी बात ये है
कि माइनस वन, और दूसरा ट्रिक बोल सकते हैं या मेथड बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें इस माइनस वन को हटाना है, इस माइनस वन को हटाना है तो उसका उल्टा काम करेंगे, हम अपोजिट काम करेंगे, उल्टा जाएंगे, ठीक है। कुछ भी इनक्वालिटी डबल साइड में उल्टा जाएंगे, मतलब माइनस का उल्टा क्या है, प्लस है, तो हम हर तरफ वन जोड़ देंगे, तो वन प्लस वन, और यहां पर भी माइनस वन प्लस वन, और थ्री प्लस वन, तो देखो यहां पर ये माइनस वन और प्लस वन हट गया, तो टू से क्या आया, फोर। अभी देखिए बहुत, मतलब अभी दिमाग में आता कि यार ये क्यों करने की जरूरत है, अभी आ रहा है, मगर देखना ये बहुत आगे रामबाण की तरह काम होगा, ठीक है। तो टाइप सेवन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको डबल साइडेड इनक्वालिटी कैसे करनी है। तो टी वन में हम देखेंगे अब साइड को चेंज करेंगे, पहले हमें अब यहाँ दो काम और बढ़े हैं, पहले तो माइनस वन को हटाना है और टू को बैठाना है, तो माइनस टू प्लस वन इधर आ गया, ये टू एक्स बचा रहेगा, और इधर कितना आ गया, फोर आ गया। आप देखो ये आया माइनस वन, और यहाँ पे सिंपल जैसे इक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो वैसे ही लाइटली आप लेना है। अब देखो दो से डिवाइड करेंगे, मतलब हमने कहा वो साइड ये काम करेंगे, तो माइनस वन बाई टू, यहाँ पे आ गया कितना टू, तो अब इंटरवल बस आपको सिंपल लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ शुरुआत करेंगे, माइनस वन बाई टू से शुरुआत हुई, और कहाँ तक, दो तक। ये हमारा आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया, यही हमारा फाइनली आंसर है। अब दूसरा तरीका ये है, हमने बोला कि उल्टा काम करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा, हर चीज उल्टी करेंगे, ठीक है। तो टिक ट्रू जिसको बोल रहे हैं, देखिए क्या है कि माइनस 2 और 2x माइनस 1 और 3, तो इसका अपोजिट नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, तो माइनस 2 प्लस 1, अब यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो हट जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो दो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 4 बाई 2 2 आ जाएगा। तो हमने बोला कि क्या किया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, या प्लस है तो माइनस कर देंगे, मतलब हर एक प्लस का अपोजिट माइनस होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। तो यही चीज आप देखिए, चाहे आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, टाइप वन या ट्रिक वन से जा सकते हैं। ट्रिक वन में क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले देखो आप बॉडमॉस, एक बात ध्यान रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, बॉडमॉस हम लोग उसी तरीके से ऑपरेशन करेंगे कि मतलब ब्रैकेट सबसे पहले ऑफ होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पर डिवीजन को करने के लिए दो तीन का मल्टीप्लाई इधर ले गए, मतलब साइड चेंज की, उसी ऑर्डर में जाते हैं, थ्री इंटू थ्री हुआ, ठीक है। फिर यहाँ कितना आएगा, माइनस सिक्स आ जाएगा, माइनस सिक्स, अब देखो इस वन को ट्रांसफर करेंगे माइनस वन, अब दोनों तरफ ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दें अभी कुछ भी बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, माइनस सेवन और माइनस टू एक्स, और कितना आया, एट आ गया, ठीक है। टू से हटा दीजिए तो माइनस सेवन बाई टू आ गया, माइनस वन, अभी हम देखो बहुत केयर कर रहे हैं इस माइनस की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था। तो अभी एक बात ध्यान रखें, इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, माइनस एक्स अगर ए और बी के बीच में, बहुत इजीली, मतलब और कुछ भी आप ना लगाएं, सीधे ध्यान रखें, जैसे ही माइनस हटाएं, ध्यान रखें कि इसको इधर ले आएं माइनस के साथ, जो बात बता रहे हैं, और इसको इधर लाएं जब भी माइनस हटाएं, और इनक्वालिटी का ऑर्डर वही रखिए, इसके अलावा कुछ भी उठपटांग मत करिए, अगर आपको करना है तो आपके रिस्क पर है, आप करिए, हम ये मानते हैं ऐसा करना है, ठीक है। तो देखो माइनस वन को, जैसे माइनस को हटाएंगे तो इसको इधर लाएंगे माइनस फोर के साथ x, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनक्वालिटी का आर्डर वही रखेंगे जो है 7 बाई टू, तो हमारा आंसर फाइनली आ गया माइनस फोर से 7 बाई टू, ठीक है। ट्रिक टू बताई थी, बहुत आसान है, क्या आसान है, माइनस टू एक बार लिखते हैं, एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, जो भी है उसका उल्टा जाना है, तीन डिवाइड था तो तीन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, पेशेंसली करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और सिक्स हो गया, फिर या वन क्या है, उसको हमें क्या करना है, वन ऐड है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस वन कर दीजिए, माइनस वन कर दीजिए, टू हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है तो टू डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो ये चेंज हो चुका है हमारा, माइनस एक्स आ चुका है, ठीक, एक ही बार हम जो कर सकते थे। अब देखो ये कितना आ गया हमारा, आ गया कितना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एट आया था वन जाने पे, एड एट आ गया, एट का हाफ थ्री, यहाँ सिक्स, अच्छा थ्री ले लिया है, थ्री है नाइन, नाइन आया, नाइन माइनस वन फोर आ जाएगा ना, तो ये माइनस फोर आ जाएगा, और ये एक्स, और ये सेवन बाई टू, ठीक। तो आंसर फाइनली इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब एक शॉर्टकट आप देख सकते हैं, शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पर ए यहाँ पे दिया गया है, अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन गामा, और यहाँ पर बी है, तो देखो सिंपल क्या है कि इसमें क्या करना है, इसको हटाना है तो ए इंटू गामा कर दीजिए, ए इंटू गामा, और यहाँ बी इंटू गामा, ट्रिक। अब देखो माइनस बीटा है तो प्लस बीटा कर दीजिए उसके बाद, ठीक है, यहाँ प्लस बीटा कर दीजिए, गामा करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डिवाइड करें किसको, अल्फा से, यहाँ पर भी क्या, अल्फा से, ठीक।
तो ये हमारा सिंपल x आ गया, क्या आ गया, x आ गया। जैसे कि सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ 2x माइनस 4 अपॉन 5 और यहाँ पर मान लो 7 है, तो ठीक है इसका देखो क्या गया, 5 से मल्टीप्लाई, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 5 प्लस 4 बाई 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 7 इंटू 5 प्लस 4 बाई 2, यही हमारे बाउंड्री हो जाएगी। तो एक बार हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है, ट्रिक है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, ये काम करेगी। अब देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अब टाइप 8 में दिखा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और टाइप 8 में ही एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो दो हमारे हम यहीं पर कंपेरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 0। देखो यहां पर सबसे पहले देखो कि कोई वेरिएबल नंबर है, किसी नंबर का स्क्वायर करें, समझो स्क्वायर करें, ये अब यहां पर आपको कुछ भी फार्मूला काम नहीं करेगा। स्क्वायर करते हैं तो किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर करते हैं, तो ये दो या तो वो जीरो होगा और या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी निगेटिव वाली हट गई, इसकी पॉसिबिलिटी निगेटिव वाली हट गई, बात समझे, कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो यानी एक्स स्क्वायर क्या है, बोला कि निगेटिव, तो ये कभी नहीं होगा, नेवर, ठीक है, ये ध्यान रखें। मतलब यहाँ पे कोई फार्मूला या कोई रियल लाइन नहीं काम करेगी, नेवर यानी कि नो सोल्यूशन आ गया, क्या आ गया, नो सोल्यूशन को हम कैसे दर्शाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, क्या दर्शाते हैं, तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या होगा, फाइव होगा, कोई ऐसी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इसी से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस वन, तो ये भी क्या है, नो सोल्यूशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस फोर, नो सोल्यूशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, नो सोल्यूशन, ये सब ऐसे आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस हंड्रेड, तो ये सब नो सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर लेस देन निगेटिव वैल्यू, नो सोल्यूशन, ठीक है, ये आप दिमाग में गांठ बांध दो। अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर है, अब देखो कोई भी नंबर है, माइनस टू का स्क्वायर करें ना, माइनस टू का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, फोर, और टू का स्क्वायर करने पर भी फोर आएगा, ठीक है, जीरो का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया, याद देखो पहले में निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया पॉजिटिव, यानी सेटिस्फाइड हुआ, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया पॉजिटिव, जीरो का बस गड़बड़ कर रहा है, जीरो का जीरो हो जाता है, तो उसने कहा कि हमेशा पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करें कैसा हो, पॉजिटिव, तो इसमें निगेटिव नंबर भी सेटिस्फाइड करेंगे, निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। दो चीजें यहाँ पे ध्यान दें, सिंपल ध्यान दें, मतलब इसको यहाँ ध्यान दें, अगर स्पेस ले लें, हमने बोला कि दो बातें, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये बात ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं लिया गया है, ठीक है, ये बात अभी हटानी है। तो किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नंबर इज, अब आप बोलेंगे नंबर इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट गलत है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव गलत है, क्या सही है, आइदर जीरो, आइदर जीरो और पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बात हमें हटानी है। अब जीरो कब होती है, जब एक्स की वैल्यू जीरो होती तब इसका स्क्वायर क्या होता है, जीरो, ही बात समझे, और कोई वैल्यू निगेटिव हो, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होगा और टू का स्क्वायर भी फोर होगा, तो मतलब निगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर फोर होगा, तो मतलब निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाइड कर, रियल लाइन पर देखें तो जीरो को हटा दें, जीरो को हटा के निगेटिव वैल्यू ये दर्शा रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू दोनों सेटिस्फाइड हो रही है, तो यानी कि ये सोल्यूशन हमारा होगा, ये सोल्यूशन कट पॉइंट कहां लगेगा, जीरो पे कट पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो रही है, ओपन लगा दीजिए, जीरो से इन्फिनिटी कट कहां पे हो गया, जीरो कहीं नहीं लिया गया, यहां नहीं लिया गया, यहां लेकिन इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस जीरो, इसको तीसरे तरीके से देख सकते हैं, आर माइनस जीरो, तीन तरीके हैं कि रियल लाइन से आर जीरो हटा दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब रियल लाइन ही होता है, पूरा आर सेट है, मतलब रियल नंबर्स का सेट है, उसमें जीरो हटा दीजिए, और देखो ये ओपन इंटरवल में लिया गया है, ये वही सिचुएशन है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब जीरो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इस तरीके से सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। तो दो इनक्वालिटीज आपने देखी, एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो कोई सोल्यूशन नहीं है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, जीरो के अलावा सारे नंबर्स को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। अब इस बात पे बात करते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन फोर, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन फोर में एक्स स्क्वायर लेस ग्रेटर देन फोर का मतलब ऐसे कर सकते हैं, अब इसका फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पर हमारी अब लीनियर, अभी तक हम लीनियर रहे, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अब हम अगर इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन सीखते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, इन सारे टाइप के इनक्वालिटीज को सीख पाएंगे। अभी तक हमने बोला था, हम अभी तक कैसे ले रहे थे, एक्स ग्रेटर देन जीरो,
एक्स लेस देन जीरो, देखो यहाँ पर सोल्यूशन जीरो से इन्फिनिटी है, ये ध्यान रखें, इसका सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी जीरो है, ये नहीं अभी गड़बड़ हो रहा है, इसको मिक्स मत करें, इसका सोल्यूशन अभी माइनस वन से इन्फिनिटी है, ठीक है, एक्स लेस देन माइनस वन, इसका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है, एक्स ग्रेटर देन वन, देखो मैं इसलिए बोलो कि मिक्स आप अभी ना करें कि पता लगा आपने सीखा और फिर उसको मिक्स कर दिया, हमने बताया था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इसका सोल्यूशन इससे थोड़ा डिफर है, ये ध्यान रखें इससे थोड़ा डिफर है, और एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो को इससे मिक्स नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर लेस ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस, इनकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको मिक्स नहीं करेंगे कि सोल्यूशन आते हैं, अब इसका इसका सोल्यूशन नहीं आता, इसका सोल्यूशन क्या आता है आर माइनस जीरो, अब देखो इसका सोल्यूशन अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक नंबर नेगेटिव से छोटा का भी नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन इसका भी आ जाएगा, मगर एक्स स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वन से हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज आर हो जाएगा, ये ध्यान रख, तो ये थोड़ा सा लॉजिकली है, मतलब ये सारी इनक्वालिटी थोड़ी लॉजिकली है, अब इसको भी सीखेंगे कि कैसे करेंगे, थोड़ा आगे बस वेट करते हैं, इसको भी सीखने वाले हैं, अब देखो पहले इसको ले लेते हैं, मतलब इस वाले हम इनकी इनक्वालिटीज को अभी पेंडिंग में डाल रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, इनको बस आगे अभी बताया जा रहा है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, ठीक है, और एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये सारी इनक्वालिटीज को भी आगे बताएं, क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज हो सकती हैं, पहले इन पर बात करते हैं जहां पर कंफ्यूजन अभी आ गया था, देखो हमने बोला कि एक इनक्वालिटी ध्यान रखना एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, ये अलग है, इसका सोल्यूशन हम ले चुके थे माइनस वन टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस वन हमने बोला इसका नो सोल्यूशन होगा, बार बार बोल रहे हैं नो सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये साइड कैसी है, कोई साइड पॉजिटिव है कोई साइड नेगेटिव, कभी भी कंपेयर होकर लेस नहीं होगी ना, नेवर, अब ये देखें कि ये क्या है, ये है जीरो या पॉजिटिव और ये है माइनस वन, तो जीरो से भी हमेशा माइनस वन बड़ा होगा और पॉजिटिव से हमेशा माइनस वन बड़ा होगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, ऑलवेज चाहे वो जीरो ऑलवेज ग्रेटर, इतना ग्रेटर देन माइनस वन, समझे ना, तो ऑलवेज होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब कोई भी नंबर आप सपोज कर लें, किसी भी नंबर चाहे माइनस हंड्रेड क्यों ना रखें उसका स्क्वायर भी माइनस वन से बड़ा होगा, अगर आप माइनस टू भी रखेंगे तो इसका स्क्वायर करके देखें चार होगा वो माइनस वन से बड़ा होगा, जीरो भी रखेंगे तो इसका स्क्वायर जीरो होगा वो माइनस वन से बड़ा होगा, वन रखेंगे वन का स्क्वायर भी माइनस वन से बड़ा होगा, टू रखेंगे फोर आएगा, तो ऐसे कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए माइनस इन्फिनिटी, मतलब ऑलवेज इस ये मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस वन हमेशा सेट ऑफ रियल लाइन हमेशा इनक्वालिटी सेटिस्फाइड करती है हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, अब देखो ये भी बता ही चुके थे कि एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा वो कभी भी माइनस वन से नेवर लेस देन, मतलब इससे कभी भी नेवर लेस होगा, कभी भी लेस नहीं होगा, कोई वैल्यू आप रखिए कभी नहीं होगा, मतलब नो सोल्यूशन आएगा, ये ध्यान रखिए ऐसी इनक्वालिटीज कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं देती है, मतलब नल सेट हो जाता है, फाई कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है रियल लाइन पर, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर पर मत जाना भाई, बहुत से लोग अभी दिमाग लगा देते हैं कि इमेजिनरी नंबर एक अलग चीज़ है, रियल लाइन हमेशा हम बोल रहे हैं नंबर लाइन रियल लाइन, मतलब वो रियल नंबर्स की बात बोल रहे हैं, पहले आप रियल नंबर्स के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड किया है वो देख सकते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको बताया गया, नेचुरल नंबर होल नंबर, ठीक है, इंटीजर रैशनल नंबर, ये सारे मिलके बने हैं रियल नंबर, और एक और नंबर है इरेशनल नंबर, वो भी रियल नंबर बना है, तो ये सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स बनते हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अभी हमने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर हो जाता है, एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, अब हम बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, इनकी बात अगर कर रहे हैं या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर हो जाता है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो का मतलब था कि जीरो से बड़ा हो स्ट्रिक्टली, यहाँ जीरो या जीरो से बड़ा, तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखें ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, दो बातों को लेके चलता है, ठीक है, और भी या तो ग्रेटर हो या, तो इसके लिए हमारे आंसर क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस जीरो, और इसके लिए आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो आया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी, तो इसमें हमने x को सम्मिलित जीरो सम्मिलित कर लिया, तो मतलब ये जो जीरो हटाया गया था वो यहाँ से ले लेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब जीरो जो हटाया गया था, और का मतलब होता है कि चाहे इसमें चीज़ें आ जाएं या चाहे इसमें आ जाएं, कोई भी आ जाए वो लिया जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, हर एक वैल्यू जीरो भी सेटिस्फाइड कर, देखो अगर यहाँ पर मैनुअली रखेंगे, अगर यहाँ रख के देखें तो जीरो का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसने बोला कि जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसने बोला कोई एक कंडीशन
जीरो जीरो से बड़ा है, कंडीशन नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो इक्वल टू जीरो तो और में होता है, चाहे जिस और की टेबल क्या होती है, ट्रू और ट्रू, ट्रू होता है ना, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा ना, फॉल्स और ट्रू, ट्रू ही हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स केवल होता है और फॉल्स, तब फॉल्स होता है, ठीक है, यानी कि कभी भी तो ये कंडीशन सही है तो हमारा सोल्यूशन मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, कोई एक कंडीशन सही, मतलब ये कंफ्यूजन इसलिए मैं डीप में चला गया कि मतलब आपको हर एक एंगल से ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे वो चीज बार बार मैंने बोला इनक्वालिटी में हर तरीके से आपको रियल लाइन हर तरीके से समझना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए, किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो वही बोला गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब वही बोला गया है एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या गया, लगा कि इसका मतलब यही कि एक्स स्क्वायर या तो माइनस वन से बड़ा हो या एक्स स्क्वायर माइनस वन के बराबर हो, ठीक है, तो बराबर तो कभी होगा नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बराबर नहीं होगा नेवर, बट ये और का मतलब है कि इस वाली कंडीशन से अब हमें चेक करना है, पूरा 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 इससे चेक करना, इससे कुछ नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सोल्यूशन भी आएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन से हमेशा बड़ा होता ऑलवेज, बात समझे, तो ये ऑलवेज की वजह से ये क्या हो गया, ऑलवेज हो गया, क्या हो गया, ऑलवेज, हमने दोनों से और का मतलब है कि इधर से या इधर से कहीं से सोल्यूशन मिलेगा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बात और डिस्कस करते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देखो इससे ज्यादा आपको समझ आएगा, अब ये कभी कुछ होता ही नहीं है, मतलब कभी कोई भी नंबर का स्क्वायर जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, देखो जीरो से छोटा लेस देन जीरो का मतलब आप दिमाग में सीधे से फिट करो कि निगेटिव, मतलब इसका एक इनक्वालिटी में आप दिमाग में एक फॉर्मूला बना लो कि एक्स लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, निगेटिव पे विचार करो, तुरंत आपका दिमाग में स्विच ऑन कि निगेटिव, अब किसी नंबर का स्क्वायर करो करके देख लो, माइनस वन का स्क्वायर क्या है, वन आएगा, माइनस टू का स्क्वायर क्या है, फोर आएगा, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर आप करें तो आपके दिमाग बन जाए, कोई भी नंबर ले लो, माइनस 0.001 का भी लो, स्क्वायर करोगे कुछ ना कुछ जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर जीरो आ जाए, तो जीरो ही केवल होगा, तो जीरो ही एक सोल्यूशन मिला, तो इसका सोल्यूशन सिंगल एक सोल्यूशन आया, बड़े प्यार से लिखेंगे, एक सिंगल इंटरवल में ब्रैकेट देखो, अब ये ब्रैकेट चेंज हो गया, यहां देखें एक ब्रैकेट हमने ये लिया था ओपन, एक ब्रैकेट लिया था ये यूज किया, आज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं जीरो, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि जब हमारी वैल्यू काउंटिंग में हो, एक दो तीन चार ऐसी काउंटिंग वैल्यू, देखो यहां पर बहुत सारी वैल्यू होती है, इस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज रखते हैं, बहुत रियल लाइन की बहुत सारी वैल्यू, इसमें भी बहुत सारी वैल्यू रखते हैं, मगर इसमें काउंटिंग में जब वैल्यू रखती है तो ये वाला इंटरवल लगाते हैं, तो ये चीज आपने सीखी। अब देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो अभी हम इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, बैठे देखते हैं कि कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, तो हमने यहां पर लाया इक्वल टू का तो कॉन्सेप्ट बता देंगे, अब यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने बोला कि इसको क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट से हिट कर देंगे, क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे रियल लाइन, वहां पर आपका रियल लाइन का बहुत अच्छा यूज होगा, रियल लाइन का, ठीक है, रियल जो नंबर्स हैं लाई करते हैं जिस लाइन पर, उस लाइन का बहुत अच्छा यूज होगा, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो आ गया, पेशेंस बस थोड़ा सा रखें, ये आ गया, ये जैसे क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक, ये सारे क्वेश्चन अभी आप डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब हम लोग ले लेते हैं, ठीक, देखो एक्स माइनस वन, पेशेंसली अब देखें एक्स माइनस टू, ठीक, ग्रेटर देन जीरो, सिंपल है, इसको करना कैसे है, विदाउट, देखो एक मतलब मैथड था जो हम अप्लाई करते हैं, मतलब हम मतलब आप लोग अप्लाई करते हो, तो इसका बस एक क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधे x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, आप यहाँ कर देंगे x ग्रेटर देन वन, x ग्रेटर देन टू, दोनों से हम निकाल लेंगे टू टू इन्फिनिटी, ठीक, ये बिल्कुल गलत है, आपने क्या किया, गलत है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करो कि यहाँ से बात समस्या आपको इनक्वालिटी में शुरू होती है, ठीक है। और आम हमने बोला कि हमने प्रैक्टिकली देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट शुरुआत में इसी चीज़ को अप्लाई करता है, ठीक है, वो समझ नहीं पाता कि क्वेश्चन हमारा आंसर गलत क्यों आया, ठीक है, गलत क्यों आया ये समझना है। तो देखो भाई कि एक बात समझो कि ए बी ग्रेटर देन जीरो, ए बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जीरो किया गया तो वो तब होंगे जब ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हो जाएगा। एक और तरीक एक और भी होता है कि दोनों नंबर नेगेटिव हो, कैसे हो, नेगेटिव, तो देखो हमेशा अगर आप ए बी ग्रेटर देन जीरो लेंगे और इस कंडीशन को ले लेंगे तो आपका सोल्यूशन आधा हो जाएगा, मतलब आप सही सोल्यूशन
कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे। देखो ये सोल्यूशन है, इसके साथ साथ एक और सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जो हम यहाँ भूल गए, छोड़ दिया है ये वाला, क्योंकि ये वाली ब्रांच हमने नहीं ली। निगेटिव निगेटिव भी क्या होता है, तो आपको यहाँ पर करना क्या था एग्जैक्टली कि मतलब आपने अगर ऐसे लिखा है, थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब आप अगर ऐसे करते हैं कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, उसके साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि x माइनस वन लेस देन जीरो और x माइनस टू लेस देन जीरो, मतलब दोनों पॉजिटिव प्लस प्लस होंगे तब भी हमारा क्या मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, और दोनों माइनस माइनस होंगे तब भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हमें पॉजिटिव लेने के लिए अब इससे सोल्यूशन तो आप निकाल लोगे कि भाई दो से इन्फिनिटी, और इससे सोल्यूशन निकाल लोगे तो आप करोगे कि एक्स में लेस देन वन एक्स लेस देन टू, तो यहाँ पर आप क्या करोगे वन से छोटा ले लोगे तो माइनस इन्फिनिटी से वन, और फिर दोनों में आप सोल्यूशन यूनियन कर लोगे। मगर ये बहुत टिपिकल बड़ा नहीं हो गया है ना, तो इसको बस सिंपल आपको देखना है रियल लाइन का। अब देखें कि कैसे करेंगे, ये बात समझो कि ये दो हमारी स्लाइड्स में कन्फ्यूज़न था, ये क्या था ये कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को आपको नहीं पालना है, मतलब इस जगह पर नहीं जाना है, इस कन्फ्यूज़न में मत जाइए, ठीक है, ये चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि अभी दो हैं, अगर आगे जब बन जाएंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे बढ़ जाएंगे ना, तब आप करते करते पागल हो जाएंगे ना इसमें, तो और तो इसलिए ये प्रैक्टिकली आगे पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप इस अप्रोच हटा दीजिए, शुरुआत से बताइए कि वही अप्रोच फॉलो करें जो लास्ट आ जाए, क्योंकि सिंगल या डबल इनक्वालिटी नहीं आएगी, पॉलिनोमियल फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो आप देखो क्या है सिंपल, आप देखो आराम से इस पे ध्यान देंगे, x माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक रियल लाइन आप बनाइए, यहाँ पर रियल लाइन का बहुत यूज हो गया आप, ठीक है, इनको आप आराम से जीरो कर लीजिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पर आप वन आ गया, हमें पॉइंट मार्कआउट करने, तो जीरो करके हम पॉइंट मार्कआउट कर लेंगे, ठीक, ये पॉइंट अपने ऑर्डर से रख लीजिए, मतलब जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है बड़ा, निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो देखो वन हमारा यहाँ पे आ गया, ये वन कट पॉइंट यहाँ पर है और टू यहाँ पर है, ठीक, बीच में गए। देखो ग्राफ नहीं बना रहे हैं, बस हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब ऐसे तीन पार्ट में हमने रियल लाइन को डिफाइन कर दिया, ये हमारी इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी और ये हमारी माइनस इन्फिनिटी, ये हमें ओब्वियसली पता है, ठीक है। अब देखो इधर हमेशा क्या रखेंगे, प्लस, हमेशा इस साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे और हमेशा इधर जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेट पहला प्लस है, दूसरा क्या आया माइनस, और तीसरा प्लस, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं। देखो इसको समझाने के लिए डीप मेथड भी है, मगर डीप के चक्कर में होता क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल जाते तो हैं, एक टीचर बताने वाला बहुत कॉन्सेप्चुअल जाता है, मगर बच्चा इतनी सारी बातों को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। हमने बोला कि आपको क्लियर कट अभी उस वे में नहीं जा रहे, ग्राफ के वे में नहीं जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ये नहीं बता रहे, बस आपको ये स्टेप याद रखने, क्या करना है मतलब अभी देखो एक बार फिर से लेते हैं और करना क्या है वो देखना है, एक्स प्लस वन और x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब सपोज ये अगर होता तो आप क्या करते हैं, x प्लस वन बराबर जीरो, सिंपल है आपको, मतलब अपने देसी भाषा में समझना है कि आपको बस इस पे फोकस करना है। मैंने बोला कि अर्जुन को बोला गया था कि उसी फोकस करो जो जिससे आपका रिजल्ट निकले, फोकस तो आपको क्या करना, माइनस वन देखो यहाँ रखा गया, ऑर्डर से हमने बोला माइनस वन छोटा होता ये पता है टू, बस तीन ऐसे ये आपको पार्टीशन ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेना, ये तो कर लोगे ना, इतना आपको काम करना था। अब देखो राइट हैंड साइड आर ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये है, यहाँ पर आज प्लस करो, गिनती गिनो, प्लस के बाद क्या आता है अल्टरनेट माइनस, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, ऐसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको तीन दिए होते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, ठीक है, ग्रेटर या लेस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पर आप फटाफट तीन पॉइंट आपको मिलेंगे ना, अब तो सीख जाएंगे ना, ये माइनस वन पे जीरो होगा ये आ गया, ये क्या आया टू पर जीरो होगा ये आ गया, ये क्या आ गया फोर पर जीरो होगा ये आ गया, बस अब एक दो तीन और चार, ठीक है, अब ऐसे पार्टीशन भाई बढ़ जाएंगे ना। अब यहाँ आर से शुरू करेंगे, प्लस फिर उसके बाद बताओ माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। अभी इनका काम क्या होगा वो देखते, पहले इतना सीख लो फिर तो सीख ही लेंगे ना, यही मेन है। मतलब अगर ऐसा होता देखो x माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, देखो अब पॉइंट रखें, देखो अब यहाँ पर दो को मत ठोक देना, ऑर्डर से सबसे छोटा हमारा क्या है माइनस वन फाइव आएगा यहाँ पे ना, तो हमेशा रियल लाइन पर ऑर्डर रखेंगे, माइनस फाइव ये आएगा, फिर देखो क्या आएगा माइनस वन, कहीं वो किधर भी सफल हो उससे मतलब नहीं है, फिर उसके बाद क्या आएगा टू आएगा ये ना, ऑर्डर से रखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद थ्री आएगा, फिर क्या आएगा फोर, मतलब इनक्वालिटी अभी यहाँ पर रियल लाइन में सारे नंबर्स हैं, मैंने उन्हीं को हाईलाइट करते हैं जो हमें दिखाने हैं। अब देखो
ये चूल्हा, फिर ये चूल्हा ना, फिर ये ऐसे डिजाइन बनाते हैं, मजा आएगा ना, बहुत अच्छा लगता है इनक्वालिटी पढ़ने में भाई। ये देखो है, अब देखो यहाँ पे आर में, आर में क्या आएगा, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। ये हमारा इतना काम बस हमें करना था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना अगर आप सीख गए तो बस आगे आपको जो हमने पहले सीखा था उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है, और बस हमारा आंसर तैयार। देखो हम यहाँ फिर से दोबारा चल रहे हैं यहीं पर ही, और अब हम आगे फिर नेक्स्ट सिस्टम में जाएंगे। x माइनस वन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, हमने इतनी बात सीख ली है कि वन और टू इतना फटाफट सीख लिया है, अब इसको मैं फोकस नहीं करना है। ये पार्टीशन भी सीख लिया है, ठीक है, प्लस और माइनस और प्लस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, इतना सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो, हम जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी, ठीक है। जैसे कि इनक्वालिटी अगर आगे हम देखते हैं क्या ध्यान देना है, आपको फोकस क्या करना है, देखो मतलब फिर से ध्यान दो कि अगर ऐसा होता x प्लस वन और x माइनस थ्री लेस देन जीरो होता, तो हमें ये तो सीख ही गए, माइनस वन और थ्री प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो अब हमें किस पे, इस पे ध्यान देना है इसके बाद, ठीक है, ठीक है। मतलब स्टेप वन क्लियर हुआ, स्टेप टू क्लियर हो गया, रियल लाइन बना ली। स्टेप थर्ड में अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है वो ये बात, मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि लेस है कि ग्रेटर है, इनक्वालिटी माई लेस है कि ग्रेटर, तो यहाँ पर लेस है, यहाँ पे क्या है, लेस दिखाई गई, मतलब इतना करने का, ये ग्रेटर है, ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर का मतलब है कि पॉजिटिव पोर्शन, पॉजिटिव पोर्शन लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारा क्या है, देखो इस पार्ट में हमारा पॉजिटिव है, ये ध्यान रखें, इस पार्ट का मतलब इधर बढ़ाते जाएं, जहां जहां रेड किया गया वो पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर इस पार्ट में भी पॉजिटिव है, मतलब ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन अभी और आएगा, उसको भी हम हटाएंगे, तो इन पर फोकस करना जहां पॉजिटिव हमने मार्कआउट किया है, इन पर फोकस करना जहां पे पॉजिटिव मार्कआउट किया है, ठीक है। इधर यहां पर क्या है, ये चीज क्या है, निगेटिव है, इनक्वालिटी का क्या मतलब, इसको निगेटिव, जहां ये जो जहां ये निगेटिव हो रहा है, लेस देन हो रहा है, निगेटिव क्या है, निगेटिव, तो हमने निगेटिव कहां बोला है, इस पोर्शन में ही निगेटिव है, तो हमारा जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा वो ये होगा, ठीक, इसको लेना है, बात समझे कि अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया रहा है, उसको भी बताते हैं। पहले अभी एक बार देख लें कि आंसर देख लें, अब देखो इसका आंसर लिखेंगे तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला पोर्शन में उठाना है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, वन तक, ठीक। अब बीच में तो गैप आ गया और टू से इन्फिनिटी, तो बीच में गैप भरने के लिए माइनस इन्फिनिटी से वन बीच में हमारा गैप है, तो यूनियन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनियन। जब हमें दो चीज़ों के बीच में गैप है तो दो सेट हमारे दिए गए हैं, उन सेट में बीच में गैप है तो यूनियन से उसको जोड़ देंगे, यूनियन जैसे गांठ ही होती है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूनियन बनाया गया है, या तो यह है, तो ये सोल्यूशन हमारा आ गया, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इस पे बात करते हैं, तो देखो यहां पर हमारा कहां ये पोर्शन ही लेना है जहां पर रेड है, माइनस वन से शुरुआत करेंगे और थ्री तक, अब यहां फर्जी में यूनियन लगा देंगे, हमारा पूरा सोल्यूशन आ गया, तो यही आंसर आ गया हमारा। मतलब बच्चा बोलता है भाई यहां देखो बड़ा सा आंसर आया है, इतना बड़ा आंसर आ गया और यहां छोटा सा आंसर आ गया, यहां यूनियन क्यों लगा, अरे यहां तो सीधे मिल रहा है ना, यूनियन तब मिलता है जैसे कोई एक पोर्शन, एक हमारा लैंड यहां पर है और बीच में मान लो ये रिवर है, एक लैंड ये, तो हमारी दोनों लैंड है ना हमारा, ठीक है, फॉर्म ये भी खेत हमारा वन है, ये टू है, तो दोनों है, मगर हमें क्या करना है, बीच में डिवाइडेशन, तो ये और ये, तो बीच में क्या है, ये चीज हटा दे, तो समझे ना, और जब कंबाइन हमारा खेत है तो बीच में पार्टीशन नहीं दे देंगे ना, ठीक। अब देखो ये माइनस प्लस क्यों आ रहा है, ये चीज देखते हैं, देखो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, हमें ग्रेटर देन जीरो करना है, ठीक है, समझे ना, तो हमने क्या दिखाया, ये वन है और ये टू है, ये कैसा है, पॉजिटिव प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस, देखो देखो कैसा हो रहा है, ये समझना है, ठीक है। देखो एक्स माइनस वन को पहले देख लेते हैं, सिंपल एक्स माइनस वन को पहले देखते हैं, तो एक्स माइनस वन को देखेंगे तो एक्स माइनस वन जो होता है, एक दो टेबल बना लेते हैं हम लोग,
अभी आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे समझाते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा भैया, ठीक है। तो अब कायदे समझ ही लेते हैं ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये जीरो पहले हटा देते हैं, ठीक, जिससे क्लियर हो जाए पूरा आपका, ओके। अब देखो एग्जैक्टली आप सोचो कि अगर मान लो यहाँ पे नंबर वन है, ठीक, थोड़ा सा भी, ठीक, अभी आएगा, वेट करो। अब देखो यहाँ पर वन है और यहाँ टू है, ठीक। अब देखो टू इसमें, इसमें देखो टू से बड़ा रखेंगे, कोई वैल्यू दो से बड़ी, मतलब कुछ भी यहाँ रखेंगे दो से बड़ी, ये चीज़ मान रहे हैं, ठीक है। तो जब भी दो से बड़ा इसमें रखोगे, इसमें, तो वो हमेशा पॉजिटिव देता है, देता नहीं, देता है। अब देखो दो से बड़ा इसमें भी रखो कंबाइन, तो दो से बड़ा अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखो कोई चीज़ दो से बड़ी और वन से छोटी इसके बीच में रखोगे, तो दो से छोटा मगर वन से बड़ा है, दो से छोटा मतलब सपोज जैसे कि 1.5, यहाँ जैसे 3 था, 4 था, 5 था, तो 3, 4, 5 वैल्यूज अगर यहाँ पे रखें आप सोचो दिमाग में, तो ये पॉजिटिव मिलेगा। अब 1.5 रखोगे तो ये देखो 1.5 इसमें डालोगे, तो 1.5 दो से क्या छोटा है तो यहाँ निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो से बड़ी छोटी वैल्यू, वन से बड़ी 1.5 या हमारी 1.7, ठीक है, या 1.1 ऐसी वैल्यू होगी। अब 1.5 जब इसमें डालोगे तो अभी भी वन से वो बड़ी है, तो वन से बड़ी है तो ये मिलेगी हमारी कैसी, पॉजिटिव, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखें वन से छोटी, तो वन से छोटी मान लो सपोज 0.1 डाल लें, ठीक है, माइनस वन आप डाल दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस टू डाल दो, ठीक है, 0.5 डाल दो, 0.6 कुछ भी डालो आप, अब इसमें डालोगे तो जब भी आप डालोगे तो दो से वो छोटी वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप डालोगे देखो तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब दो प्रोडक्ट है इन दोनों का, क्या है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई भी तो है। जब इनका इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो भाई यहाँ कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव, तो इसने बोला डिवाइडेशन कर दिया और पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब यहाँ पर इस जगह पर इस पोर्शन में इनक्वालिटी जो हमारी दी गई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू वो कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमें एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू हर एक्स एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर, मतलब इन सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है, इन सारी वैल्यूज़ के लिए वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखो इन से ले यहाँ से लेके यहाँ तक अगर प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आ जाएगा ना, तो ये कैसा है, निगेटिव। इस पोर्शन में कैसी मिल रही है, निगेटिव। वैल्यू भले ही पॉजिटिव है, ये ध्यान रखें, निगेटिव का बच्चा समझता है कि वैल्यू तो निगेटिव है ये सारी, अरे इन सारी निगेटिव वैल्यू को जब आप इनक्वालिटी में रखेंगे, मतलब कहाँ रखेंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू रखेंगे, तो वो रिजल्ट कैसा देता है, निगेटिव देता है। तो रिजल्ट ही देखना है, वो एक्स की वैल्यू देख रहा है, बोला क्या इनक्यू कहाँ पॉजिटिव है वो बताना है। अब देखो हमने निगेटिव वैल्यू भी डाली, माइनस वन भी अगर डाली, कैलकुलेट करो माइनस वन डालोगे तो यहाँ माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री मिलेगा, और माइनस वन यहाँ डालो माइनस टू मिलेगा, माइनस टू और माइनस थ्री डालो सिक्स आएगा पॉजिटिव। तो निगेटिव वैल्यू भले ही ना हो, भले ही हो, क्योंकि निगेटिव माइनस वन छोटी मतलब माइनस इन्फिनिटी भी तक जाए तब भी इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव। तो इस वाले पोर्शन को बोल रहे हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव हम जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है कि इस पोर्शन में पॉजिटिव मिल रहा है इन सारी वैल्यू के लिए, चाहे वो निगेटिव क्यों ना हो, माइनस इन्फिनिटी क्यों ना हो, माइनस टू क्यों ना हो, माइनस वन क्यों ना हो, माइनस थ्री क्यों ना हो, माइनस फाइव क्यों ना हो, वन क्यों ना हो, सबके लिए कैसा है, निगेटिव। तो ये पोर्शन उठाया जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है। और टू से बड़ी वैल्यू चाहे वो थ्री हो, चाहे फोर हो, चाहे फाइव हो, चाहे इन्फिनिटी कुछ भी हो, ठीक है, इसके लिए कैसा उठाया जा रहा है, कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो यही ऑप्शन हमने उठाया था, जब निगेटिव में उठाना था तो निगेटिव उठाया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यार अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। ये जैसे देख लें फटाफट, अभी देखो फटाफट अब कल्याण हो जाएगा, रियल एम नाउ तो आप चैंपियन हो गए होंगे। सबसे छोटा क्या है, माइनस फाइव, ठीक, उससे बड़ा क्या है, माइनस वन, ठीक है, वन है फिर, ओके, फिर क्या है, टू, फिर क्या है, थ्री, ओके, बस शुरू कर दो अपना काम, डिजाइन बनाना शुरू कर दो, ठीक। राइट से जाएं, इधर से जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि उधर लेफ्ट में माइनस रुकेगा या प्लस दिखेगा रुकेगा, ये फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी यहाँ पे निगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव, हमें कैसे चाहिए, यहाँ पे ध्यान दें। अब स्टेप देखो, स्टेप वन में
हमने रियल लाइन पर नंबर दसा है, फिर ये अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, और फिर देखते हैं निगेटिव। अब निगेटिव पोर्शन हमारा कहाँ है, वो जहाँ जहाँ निगेटिव है वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये पोर्शन निगेटिव है तो इनको हाईलाइट। अब ये वाला इंटरवल क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव, बीच में ब्रेक आया, यूनियन लगाया, जहाँ ब्रेक, फिर ये वाला इंटरवल उठाएंगे माइनस वन से वन, फिर ब्रेक आया, फिर ये उठाएंगे टू से थ्री। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, इतना बड़ा सोल्यूशन आपका आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है आप सब आ गया होगा ना, ये भी आप कर सकते हैं। क्या है, ज़ीरो वन टू, ठीक है, इधर गए इधर गए इधर गए, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस। अब देखना, ध्यान देना, थर्ड स्टेप क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कहाँ पर है, ये है, ठीक है, और कहाँ पर है, ये है, ये वाला पोर्शन उठाना है। ये वाला पोर्शन क्या है, ओपन इंटरवल है ज़ीरो से वन, यूनियन क्या, टू से इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक, अब तो कुछ बचा नहीं होगा यार, ये चाहें तो ये देख लें, ये भी देख लें। अब देखो इनमें बस थोड़ा सा एक अपना एक काम करना है कि निगेटिव कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन। हमने बोला हमेशा ध्यान बताया था कि साइन जब ये निगेटिव हमेशा कॉमन ले लो। अब इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे इधर, ठीक है, एक काम बढ़ गया तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक। तो यहाँ लेस देन जो गया बस, और बाकी अपना काम हो गया, माइनस वन इधर है और टू इधर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस प्लस, पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप पर गए और दूसरे स्टेप में क्या, निगेटिव, थर्ड स्टेप देखा निगेटिव, ये पोर्शन चाहिए बस, ये यार माइनस वन है ना, तो आंसर हमारा आया माइनस वन से इनफिनिटी। इतनी गलती यार, ह्यूमन मिस्टेक है दस हमारे ना। ये देखो अब इसमें भी हमें क्या, पहले इसको सुधारना है, ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए माइनस कॉमन ले। हमने बोला एक्स का साइन कभी भी निगेटिव नहीं छोड़ेंगे, वो इनक्वालिटी गड़बड़ कर देगा ना, सबसे पहले उसको हटा दीजिए। अब इसको जैसे ही हटाएंगे इधर, इनक्वालिटी का साइन चेंज, तो आपको गलत सोल्यूशन मिल जाएंगे भाई। अब अपना दिमाग लगा के देखेंगे उसको पता जाएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है भाई। हम तो जो बात स्टैंडर्ड है, जो बात उसको आसान है, वही बात बताएंगे। मतलब ये डेक्टो आप मानेंगे, यही चीज़ फॉलो करेंगे तो इनक्वालिटी आपको अच्छे से समझ आएंगे। अपना कुछ भी मिक्स करते रहेंगे तो ये सब हो चुका था अपना काम, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, सब कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉमन लेने, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू हो जाएगा भाई ना, देखो माइनस हो जाएगा एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अभी देखो ये ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो के तक ना। अब देखो माइनस टू को पहले लिखेंगे, छोटा है सबसे ना, इधर लेफ्ट में, पहले का मतलब लेफ्ट, और ये माइनस वन ना, ये गया ये गया ये गया, ये देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अभी इतना प्रैक्टिस होगा, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माइनस टू से शुरुआत माइनस वन, मतलब ये बहुत बड़ा टिपिकल काम नहीं है, बस एक बार आधा डल जाए, ठीक है। इसको देखो, अब तो आप चैंपियन हो गए होंगे, माइनस ये वन आ गया ना। अब देखो ये वन आएगा, माइनस वन नहीं आएगा, ये कन्फ्यूज हो जाते बहुत से लोग, तीन आ गया, ठीक है। अब देखो अब पता है ना ये निगेटिव कहाँ, यहीं तो जाएगा, इसी पोर्शन पर उठा लो, बाकी पॉजिटिव है, निगेटिव ले जाना है हमें, तो वन से थ्री आ गया, यही एक्स बिलोंग्स टू हो गया, एक्स बिलोंग्स टू कर दीजिए ना, सोल्यूशन आ गया हमारा, ठीक। यहाँ पर देखो ये माइनस टू है, ठीक है, ये वन है, ठीक, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है ना, पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला जहाँ पे हम जिगजैग साइन बना रहे हैं, मतलब ये दर्शा रहे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, फिर यूनियन बीच में वन से इन्फिनिटी कर लेंगे। अब यार इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर नहीं करना आता है तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू कैसे फैक्टर करें, क्वाड्रेटिक में वन और टू, ठीक, ये प्लस माइनस प्लस, सारी प्रैक्टिस आज हो गई, कर लेना इतना भाई, ये आंसर आ रहा है सर। इसके लिए देखो आप, ये देखो इसके लिए परेशान ना हो, ये भी एक जीरो पर जीरो होता है और ये भाई वन पर होता है जीरो ना, तो दो पॉइंट मिले ना, बहुत से लोग यही नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े इनक्वालिटी कर लेंगे, अब एक्स के लिए क्या करें, पूछते हैं एक्स के लिए क्या करें, एक्स के लिए जीरो भी सोल्यूशन, जीरो है भाई रियल लाइन पर, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस ना, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक, ये आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखो पहले, सबसे पहले ये खतरनाक है अपना है ना, सीधे ये लेस के लिए नहीं जाएंगे, पहले कॉमन लेंगे, एक्स एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, ये इधर चला गया, क्या आया एक्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब करेंगे जीरो और वन, प्लस माइनस प्लस, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सब हो गया ना, ये फैक्टर कर लेंगे यार, क्या आ गया फैक्टर, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक,
जीरो, टू और थ्री आ गए, प्लस माइनस प्लस, बहुत आसान हो गया, सिंपल मैथ ऑफ माइनस इनफिनिटी से टू यूनियन थ्री से इनफिनिटी, मतलब एक झटके में आती है इनक्वालिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपने वीडियो पूरा फॉलो किया होगा ना। नहीं मैं वाकई में ऐसा बोल रहा हूँ या वाकई में ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो लोग लास्ट में आ गए बिल्कुल फटाफट हो गया तो ठीक है। तो इनक्वालिटी वन इक्वल टू टू आप वीडियो जरूर देखें, इनक्वालिटी अगर आपको सीखनी है तो आगे भी इनक्वालिटी की हम वीडियो अच्छे से बनाते रहेंगे, इसके लिए आप दुआ करें ठीक है। ब्लेसिंग से हमारे क्लासेस को एक जोश मिले और आगे जाके हम लोग अच्छे वीडियोज आपको दे पाएँ, अच्छा कंटेंट दे पाएँ, इसके लिए हम प्रयासरत रहें ठीक है। थैंक यू।